छतरपुर को मध्य प्रदेश की शैक्षणिक रेटिंग में पहला स्थान जरूर हासिल किया है, लेकिन आज भी दूरस्थ अंचलों में पदस्थ शिक्षकों की लापरवाही से शैक्षणिक व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। मामला जिला मुख्यालय की नजदीकी प्राथमिक शाला रौरा का है, जहां पर कहें तो 5 से 5 शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन स्कूल में केवल 2 ही शिक्षक आते शेष हस्ताक्षर कर उल्टे पांव वापस चले जाते हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण लगातार लापरवाह शिक्षकों पर कार्यवाही की मांग को लेकर शिकायत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं होने की जानकारी जैसे ही मीडिया को लगी तो मीडिया की टीम ने प्राथमिक शाला रौरा पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की तो चौंकने वाले तथ्य निकलकर सामने आए। उपस्थित पंजी में वहां पदस्थ 5 शिक्षकों में से केवल हेमलता सेन प्राथमिक शिक्षक और कल्पना सिंह प्राथमिक शिक्षक ही मौके पर मौजूद थे। अन्य 3 शिक्षक गोमती अहिरवार, कविता खरे और शीला मिश्रा अनुपस्थिति पाए गए, जबकि उपस्थित पंजी में सभी के हस्ताक्षर पाए गए। पूरे मामले में ग्रामीणों का कहना है कि प्राथमिक शाला रौरा में कहने को तो 5 से 5 शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन यह शिक्षक बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। ग्रामीण विक्रम सिंह बुंदेला ने बताया कि लापरवाह शिक्षक हस्ताक्षर कर वापस चले जाते हैं और यह उनका रोज का काम है। वहीं ग्रामीणों ने बताया शीला मिश्रा प्राथमिक शिक्षक हस्ताक्षर करने के बाद घर चली जाती हैं। वहीं पूरे मामले में संकुल प्राचार्य पुष्पा सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। वहीं दूसरी ओर DCP अरुण शंकर पांडे का कहना है कि रौरा में पदस्थ लापरवाह शिक्षकों पर सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले शिक्षकों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। ये आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है हमारे, और टीचर वहाँ कम है, इसके लिए कल ही हम निरीक्षण कराएंगे इसका, और हो सकता है कि अभी परीक्षा चल रही है तो इसमें प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला तो यदि ऐसी स्थिति नहीं है और जानबूझ की टीचर द्वारा लापरवाही की जा रही है तो उनके खिलाफ निलंबन की और उनके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये यदि ऐसा हो रहा है और उसको हमारी जांच दल पाता है ऐसा, वहाँ से ग्रामीण लोग फिर बयान देंगे अपने, और यदि पाया जाता है कि ऐसा है तो वो सेवा में नहीं रह पाएंगे, वो घर बैठेंगे जाके। आपने बात संज्ञान में दी है उसको संज्ञान में आ गई तो अब 2 दिन की तो छुट्टी है, मंडे को ही मैं इस पर आवश्यक कार्यवाही करता हूँ। मैं पूरी जांच करूंगी और पूरी जांच के बाद जो होगा वो उचित जो उचित दंड होगा वो दिया। बच्चों के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते और उसके लिए जो न्यायिक कानूनी कार्यवाही होगी।